वेलकम गाइस, कैसे आप लोग? ये देख सकते हो बोलेरो पिकअप FB एक्स्ट्रा लॉन्ग, ठीक है। ये गाड़ी कल आई हुई है किस के गाड़ी तो कौन सा ट्रेन सो गाड़ी कौन सा ट्रेन जान ला गाड़ी अपना रे लालपुल तो है ना गाड़ी। प्रॉब्लम किस है? प्रॉब्लम तो ने रनिंग है तुम्हारा स्टार्ट बंद हो जाए। हां उधर पर माने और सेल्फ मरना स्टार्ट लेना। हां माने धक्का मार स्टार्ट। हां धक्का मार स्टार्ट ले। हां मार स्टार्ट पर तबरे এখানে টাইনে গাড়ি টাইনে দিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম। হ্যাঁ তো এখানে আনার পরে নই পরে ফিটিং সিটিং করুম তারপরে। হ্যাঁ সো গাইস প্রবলেম তো এই হে মানে গাড়িটো কিয়া হরা ধাক্কা মানে সে স্টার্ট হো রা উসকা বাদ মে স্টার্ট বন হো জা রা। তো থোড়ি দেরি চলতে এই এই বোনটা খুলুন তো দেখো ये जो प्रॉब्लम है ना ये प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम इस गाड़ी में पहले से हो रहा था। ऐसे लगा तो यदि इसका इंजेक्टर कोई बना दिया ठीक है, लेकिन इसका इंजेक्टर की प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम इसका टैंकी का मोटर में था। इसमें क्या होता है ये देखो, जब जब मोटर का प्रेशर बन जाएगा तेल यहाँ से फेंकेगा भाई, तेल यहाँ से बाहर निकलेगा ठीक है। यहाँ से अगर बाहर नहीं निकाल रहा है तो मतलब टैंकी का मोटर खराब है। आदमी लोग क्या करते हैं इसका पंप बना देता है। यहाँ से तेल नहीं निकलता बोलता है नहीं पंप खराब है, यहाँ से तेल नहीं आ रहा है तो पंप बना देगा, लेकिन उसके बाद में प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। वही हुआ था पहले इसके साथ। हम आप अभी तो हमको ये बटन नहीं बोला है, लेकिन आपको बोल रहे ऐसा हो रहा था ना, यहाँ से तेल नहीं मार रहा था तो पंप बनाया इंजेक्टर बनाया, लेकिन आपका ऐसे पैसा चला गया। हाँ, ऐसे गया सही। ये इंजेक्टर का प्रॉब्लम नहीं था, पंप का प्रॉब्लम नहीं था। बोल रहा है कि कल इंजेक्टर भी बनाया पंप भी बनाया, ऐसा नहीं होता है। जब तक यहाँ से तेल नहीं मारेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ से तेल तो मोटर मारेगा, मोटर तेल का प्रेशर से यहाँ से तेल निकलेगा, यार निकल देगा, उसके बाद में स्टार्ट होगा। तो किसी ने इसका अच्छा खासा इस गाड़ी में चूना लगा दिया। हेलो, तो अभी हम लोग इसका मोटर लाया है टैंकी का, आपको अभी दिखाने वाले। मोटर माने फ्यूल पंप को बोल रहे हैं हम लोग, आप कुछ गलत मत सोचना, फ्यूल पंप इसको मोटर बोलते हैं ठीक है। और ये भाई लोग ये रास्ता का काम करते हैं। तो अभी आप लोग को इसका हम लोग टैंकी डाउन कर दिया ऑलरेडी, कल टाइम नहीं मिल रहा था, वीडियो नहीं बना पाया। अभी हम थोड़ा खाली हुआ गैरेज, इसलिए अभी वीडियो तो बना रहा है इसका। ये देख सकते हो मेरा गैरेज, इसका टैंकी यहाँ पड़ा हुआ है। ये मशीन में देखो पूरा लाइट नहीं है, लाइट चला गया। मशीन में पूरा रेंच ऐसे बिखरा हुआ है, देखो चारों तरफ सामान है सामान है। 4 दिन से झाड़ू मारने का टाइम नहीं मिला है, वीडियो कैसे बनाएगा कैसे जानो, झाड़ू मार सी ना वो तो। हाँ तो होने के तो अभी पूरा टाइम मिला है तो ये गाड़ी का वीडियो बना रहा है। ये गाड़ी का वीडियो बनाने के लिए हम और एक तो गाड़ी का काम छोड़ दिया है, पता है। सुबह सुबह हमको एक आदमी फोन किया है, ऑफिस का गाड़ी आया था ना, हाँ तो वो गाड़ी का काम छोड़ दिया है। नहीं होगा ये गाड़ी पहले होगा उसके बाद में होगा। तो ये टैंकी को हम लोग फिटिंग करने वाले। और एक तो मोटर आया, पहले ये मोटर आया था तो ये मोटर का हाइट ज़्यादा हो गया, अभी ये मोटर रिटर्न जाएगा। ये देख सकते हो इसमें फ्यूल पंप है कंप्लीट ब्रांड न्यू, ये रिटर्न जाएगा, इसका हाइट ज़्यादा हो गया। तो दूसरा आया इसका है, ये देख सकते हो ये पूरा साथ में आता है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। ये अभी तो हम लोग इसका सील भी नहीं खुला है, मामा बेटा खुलें तो खुलें बेटा। बस फोड़ हाँ फोड़ते जी ना। तो मोटर में क्या प्रॉब्लम होता है इसका अभी आपको पता चलने वाला है। ये देखो मोटर कुछ नहीं होता है, यहाँ से तेल फेंकेगा ठीक है, ये मेन लाइन है, यहाँ से तेल फेंकेगा, यहाँ से रिटर्न आएगा ठीक है, सब कुछ सही है, तेल फेंकते रहेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ से तेल नहीं मार रहा है। इसका कारण है ये देखो, यहाँ में होता है इसका प्रेशर बेल्ट, ये देख सकते हो, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ये ख़राब हो गया, ये निकाल जाता है। तो इसका ये वाला फ्यूल पंप है, किसी ने इसको खोल के वॉश किया था ठीक है, ये पहले से खुला हुआ था, ये देखो ये टूटा फूटा है। तो इसका यहाँ से ये देख सकते हो ये ब्रेक हो गया, तो यही प्रॉब्लम है इसका ठीक है। अभी हम इसका फ्यूल पंप को फिट करके गाड़ी में लगा के दिखा था ठीक है। सो गाइस ये देख सकते हो टंकी पूरा एकदम क्लीन हो गया, फ्यूल पंप फिटिंग हो गया ओरिजिनल एकदम डेल्फी का ठीक है, 0-0 काम हो रहा है एकदम।
और अभी हम इसको टैंकी को फिट करने वाले, फिट करके उसके बाद में दिखाते उधर से किस तरह से तेल मारता है पंप के ऊपर से, ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम तो पहले से हो रहा था और किसी ने इसका पंप नोजल बना दिया, ठीक है। सो गाइस, फ्यूल पंप फिट हो गया, टैंकी फिट हो गया। अब इसमें देख सकते हो तेल डाला जा रहा है, इसमें तेल पूरा 60 लीटर तेल काल निकला था, सारा डाल रहे हैं अभी हम लोग। ये थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद में दिखाते हैं प्रोसेस क्या हुआ है हम लोग का काम, ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि दूसरा का इस तरह से नुकसान ना हो। इंजेक्टर और पंप बिना मतलब का खुल गया, इतना खर्चा हो गया। तो अगर ये वीडियो देख लेगा तो वो लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और आप लोग का और एक तो सवाल खटक रहा होगा कि इसका इंजेक्टर पंप बनाने के बाद में गाड़ी कैसे चलाए, उसका भी जवाब हम देगा अभी थोड़ा देर में। आप लोग बने रहिए वीडियो में। जबकि इसका फ्यूल पंप में प्रॉब्लम था तो इंजेक्टर पंप बनाने के बाद में तो गाड़ी चल रहा था, तो वो चीज़ का हम अभी आपको जवाब देगा थोड़ा देर में। पहले गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तेल डाला जा रहा है एकदम बढ़िया तरीके से, गिरा गिरा के। और एक चीज बोल दीजिएगा, हाँ, मतलब डिब्बू ऐसा कोई खुला तेल डालने से भी, हाँ, उसके लिए कुछ मतलब करके तेल भी डालना, हाँ, जरूरी है ये, हाँ, सब गाड़ी के लिए। हाँ, देखा क्या बोल रहे हैं, ये सब गाड़ी के लिए, ये BS4 गाड़ी के लिए अगर कोई खुला तेल डालना है तो ऐसा छक के डालना है, हाँ, तब गंदा नहीं जाता है ना ड्राइवर। हाँ, हाँ, देखा ये हम लोग का मामू एकदम सही बात बोल रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि, हाँ, अगर मोटर का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मतलब आपका 10-15 हज़ार रुपए चले जाएगा। हाँ, तो अगर छकने के लिए देखिए ये भी चले जाता ना। हाँ, ये देखो, देखिए ये गंदा था और बहुत कुछ गंदा है, वो भी अंदर चले जाता था। हाँ, नहीं गया तो बच गया। एक्चुअली ये सब गाड़ी में डिब्बू में तेल भरना है, हाँ, कोई भी इमरजेंसी में खुला तेल भी डाल सकते हैं, फिर, हाँ, भी ध्यान रखना, हाँ, कोई गलेस गुलेस नहीं डालना, हाँ, तभी दे दो। बैटरी का तार भी लगाना है, हाँ, बैटरी का तार खुला हुआ। तो गाइस अभी हम लॉक कर दिया है, हाँ, सब कुछ ठीक है। अभी बैटरी का तार को लगाना है, जो भी हो रहा है आपका सामने हो रहा है। इधर इधर लगा रहा है, इधर इधर क्या ये देख सकते हो, ये मेरा बयात का खेल है। बयात से तो नहीं लग रहा है, तेल तला से लगा। इधर भीतर डूबा बेटा, हाँ। देख सकते हो बयात का खेल बोल के तीन तीन हाथ लगा है। अरे टाइट दिला वो 10 मिनट। हाँ, चल स्टार्ट कीजिए। पहले चाबी ऑन करके रखना है थोड़ा देर, हाँ, दोबारा ऑन करेंगे। हाँ, तो पूरा हवा तो निकल जाएगा। तेल आ रहा है, पूरा आवाज कर रहा है, यहाँ से आवाज सुनाई दे रहा है। मारो स्टार्ट करो, अभी और एक ब्राउन करो। हाँ, आप करके, हम्म, स्टार्ट देन।
रुको हाँ बैक तो रुको वीडियो देखा था अच्छा हाँ एक जो दिल्ली बीट इमोल दरो इधर एकला एकला खुल सिलो हाँ तो अपने एकला पास हवा को बैठे देखो एमने दरो माना तेरा करिया एकदम तेरा करिया हाँ पाके तो किधर ऑन करो ये देखो यहाँ से तेल निकल रहा है अभी ठीक है देख सकते हो पूरा तेल आ रहा है ना चाबी ऑन करने से पहले नहीं आ रहा था ना चलो अब इसका एयर निकलना है देखो एयर निकालने का प्रोसेस इसको टाइट कर लेना चलो चाबी ऑन करो आपको काम करना हाँ ये देख तो पूरा तेल आ गया ठीक है सब सबका चेक कर बना कि ना हो गया सर एक टाइम स्टार्ट देन स्टार्ट देन स्टार्ट देन सो गाइस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी हम लोग इसका वायरिंग चेक करना पड़ेगा इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है आप लोग बने रहिए हमारे साथ सो गाइस इसमें करंट आ रहा है अभी हम लोग इसमें स्कैनिंग करता है ये आईकार का ओबीडी टूल है इसको अभी इसमें फिट करके इसमें चेक करने वाला है ये देख सकते हो चेक लाइट आ रहा है पूरा ठीक है सो गाइस इसमें ये लग गया ठीक है अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता है आप लोगों को सो गाइस रिकॉर्डिंग चालू हो गया और ये डाटा ब्लूटूथ जीपीएस सारा ऑन हो चुका है स्कैनर का एप्लीकेशन ऑन हो चुका है उसे कनेक्ट नहीं हो रहा अभी तक कनेक्ट हो गया अभी चेक करते हैं इसमें फॉल्ट क्या है रेल प्रेशर का तो फॉल्ट खत्म हो गया क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं बन रहा था पहले अब इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है
वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। बाप रे, टोटल पेडल पोजीशन सेंसर, स्विच, डीई, वोल्टेज सर्किट, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सेंसर, टोटल पेडल पोजीशन सेंसर, ए चेसिस का ये टेप फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये सब करंट में है, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये सब हिस्ट्री में है, ठीक है। इस ये नीचे का जो है ना, ये P1405 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे मतलब नहीं, हमें इसको इसमें इसका ऊपर काम करना पड़ेगा। टोटल पेडल पोजीशन सेंसर, ये स्केलर पेडल का बात बोल रहा है, वो तो बहुत पहले से वही बोल रहे हैं। इसका क्या हुई, नोया लगा के भी देखा है, वही फिर प्रॉब्लम दे रहा था। तो ऐसा कर गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और इसको क्लियर करके देखता है क्या होता है। नया लगा है ना ये तो? हाँ, नया लगा के भी देखा है, फिर ये प्रॉब्लम है इसका। अच्छा, ये स्केलर पेडल नया लगाया बोलते है। चलो इसे वो क्लियर करता है। ये लाइट के लिए ना हम लोग मतलब वो इसको हैदराबाद नहीं यार सॉफ्टवेयर भी हमारा है ना, तो सो गाइस, अब इसको हम लोग एक बार क्रैंकिंग करके देखते हैं। नहीं हो रहा है, अभी चेक करता है क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये आया है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, टेम्परेचर सेंसर, हाँ टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर कौन सा वाला है इसका? कौन सा ये सेंसर? ये तो स्टार्ट नहीं कर रहा है। क्लास तो दो कॉल के लगा ওই পিছনে আসলে তো ওই যে হ্যালো চাবি অন করেন তো বাস বন্ধ করো বন্ধ করো ইসমে তেলে নেই মার রা तो मोटर बदली किया, अभी तेल मार रहा है। पेट्रोल सुंगाने से स्टार्ट नहीं हो रहा। पेट्रोल नहीं सुंगाया हम, पेट्रोल सुंगा के देखेगा अभी। एक बार स्टार्ट करके देख। एक बार स्टार्ट करके देखना, अभी हवा ले लिया ना पूरा, इंजेक्टर लॉक हो रहा है हमने, समझा? इंजेक्टर लॉक हो रहा है। हाँ,
ए चाबी ऑन कर दो। बंद कर ऑन कर इस टाइम ऑफ कर दिया ऑन करो स्टार्ट करो तो गाइस एयर निकाल दिया और आप लोगों ने देखा स्कैनिंग में इसका फ्यूल लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं शो हो रहा है। ठीक है, फिट नहीं किया है। अरे नहीं, फिटिंग तो किया है, लॉक में नहीं बैठा है इसका। नहीं नहीं, इसका रबर गिर गया है, हम एक तो रबर रहता है, रबर गिर गया। तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी हम इसका चेक करने वाले हैं स्टार्ट किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइट भी नहीं हुआ है। देखो टाइट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, वो तो हम देखेंगे बाद में। इसका इंजेक्टर का कोई वायरिंग का प्रॉब्लम नहीं है और ना तो इसका तेल का भी प्रॉब्लम है, तेल का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, नहीं तो रेल प्रेशर सेंसर का प्रॉब्लम दिखाना था। ठीक है, सो गाइस इसमें अभी पेट्रोल सुहा के हम लोग स्टार्ट किया फाइनली, ये देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। ना ना, कल के हम वीडियो करते ना, दिमाग खराब कर लीजिए ना ना, एकदम पेट्रोल डालिए ना, माता डाल देख सकते हो। रुको रुको रुको, ठीक है सर, इसका इंजेक्टर खराब है। इंजेक्टर बुझो, इंजेक्टर जब बनाया था ना, लॉक हो गया, इंजेक्टर खराब है। ये देखो, डाल दो पेट्रोल, डाल दो, इंजेक्टर खराब है। हाँ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो ना। मारो, और जिनको कुंडा कुंडा जिक्टे बनाए थे लोग, कुंडा बनाए थे लोग। अच्छा, जाओ बे जाओ। ये देख सकते हो यहाँ से एकदम बुड़बुड़ा के तेल देख रहा है ये दिल्ली से। ठीक है, इससे पूरा पंपती आ रहा है। अरे बिजली बोलो ना, इससे पूरा पंपती आ रहा है, इससे पूरा बुड़बुड़ा के तेल आ रहा है। ये देखो, ये ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये भी ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक एकदम ठीक है, ये बाकी ये तेल खराब है। तो हम लोग बनाएगा तो ये चारों बनाएगा। ठीक है, अभी इंजेक्टर बनाना पड़ेगा। बोल गए इसका भी इंजेक्टर भी बनाना पड़ेगा। सो गाइस इंजेक्टर खराब है इसका, तो अभी बोला है कि इंजेक्टर नहीं बनाएगा, पैसा नहीं है,
तो गाड़ी ऐसे चला से है, हमें पेट्रोल डाल डाल के थोड़ा सा पेट्रोल डाल के स्टार्ट करना है, गाड़ी चल जाएगा। एक बार स्टार्ट हो गया, पिकअप शिकअप सब कुछ लेगा, गाड़ी चलेगा। स्टार्टिंग लेट होगा, वही पेट्रोल सुंगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम बताते हैं इतना दिन गाड़ी कैसे चल रहा था। आओ भीतर आओ। इतना दिन गाड़ी कैसे चल रहा था, इंजेक्टर में भी प्रॉब्लम नहीं आया, और गाड़ी कैसे चला है इंजेक्टर बनाने के बाद में अभी दिखाता है। ये देखो, ये फ्यूल पंप है, ठीक है। वो लोग इंजेक्टर बनाया, फिटिंग किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो टंकी डाउन किया, ठीक है। टंकी डाउन करके ये फ्यूल पंप को वॉश किया है, इसमें पूरा गंदा था। तो उसके बाद में ये जो प्रेशर का बेल्ब है ना, इसको थोड़ा टाइट से लगा दिया था, ठीक है। यहाँ में ऐसा घुसा दिया था, थोड़ा टाइट से अच्छा से लगा दिया था उन्हें। तो इसी का वजह से गाड़ी चल रहा था। और बाद में जब ये तो ख़राब है, तो फिर ये अपने आप प्रेशर से बाहर निकल गया, तो गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गया, प्रॉब्लम दिखाना शुरू हो गया, समझा। प्रॉब्लम तो ये है, तो इसी का चलते मैंने प्रेशर नहीं निकल रहा है, तो बाद में पंप ख़राब है बोलता है ना, एरम कैसे ना, पंप खराब ऐसे कैसे ना। तो गाड़ी चेक करने का प्रोसेस इस तरह से होता है, ऐसे नहीं कि अंदा मुंदा देखो। अभी देखो, इंजेक्टर खोल के इंजेक्टर ख़राब कर दिया ऑटो, अच्छा इंजेक्टर था ऑटो, एक बार बनाने दिया, अभी ऑटो ख़राब हो गया। वो देखो 4000 में इंजेक्टर, ये इंजेक्टर नहीं बनता है, 4000 में बनाया। तो हमको लगता है वॉश करके इंजेक्टर ठीक था, मशीन में लगाया, वॉश करके दे दिया, और फिर फिटिंग किया। फिटिंग करते समय कुछ गंदा घुस गया, सफा से फिटिंग नहीं किया, तो इसका चलते जाके आपका इंजेक्टर में प्रॉब्लम आया। और उसका बाद में जब इंजेक्टर कैसे ख़राब हुआ है बोलने से, इसमें से प्रेशर ही नहीं आ रहा था तेल का। तो आप लोग सेल्फ मारा स्टार्ट करने के लिए, जाना पड़ेगा, तो यहाँ से तेल नहीं आ रहा था। आप लोग देखा है पूरा पंप से तेल नहीं आ रहा था, तो हवा घुस घुस के इंजेक्टर ख़राब हुआ है। तो अभी जाके फाइनली आप इंजेक्टर बनाएगा तो हमसे, तो एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही है मेन प्रॉब्लम यहाँ में था, ठीक है। ये एक पाइप का प्रॉब्लम का वजह से आपका अभी और पैसा लगने वाला है। अभी आप लोग चलो, जब पैसा होता है तो आज नाम बना देगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, मिलते हैं अगले और एक नया वीडियो में नया कंटेंट के साथ। अब वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।